हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द इंडियन इदरीशीज रॉस्ट। अच्छा तो कैसे हैं आप सब? जबरदस्त बेटा। हाँ दादी, ऐसा लग रहा है कि आज वो दोनों कमीने नहीं आएंगे। हाँ दादी, हैरानी तो मुझे भी है कि आज वो दोनों क्यों नहीं आए। वो दोनों अब नहीं आएंगे क्योंकि मैंने उन्हें खूब अच्छे अच्छे फूल दिए हैं। तो ये दादी ने बहुत अच्छा किया, ये दादी तो ऐसी बकचोदी करती रहेंगी। अच्छा तो आज आप मिलने वाले हैं 13 साल की एक ऐसी बच्ची से जिसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं जैसे आम के पेड़ में से सुंडी का निकलना और मक्खी के अंदर से मूत निकलना। जिसे मीठा समझा वो कड़वा निकला और जिसे अपना समझा वो इसकी तरह काला निकला। दुनिया में कोई और भी होगा तेरे जैसा, लेकिन हम तुझे चाहते हैं, तेरे जैसों को नहीं। दीदी चाहती भी तो ऐसे लड़के को है जो खुद कोयले की खान में से निकला हो, और दीदी जिसको चाहती है वो खुद इतना गोरा है जिसके सामने अंडे का रंग भी फीका पड़ जाता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी गांड मार लो। दीदी जिसके पास इतना गोरा चुट्टा लोंडा हो मुझे नहीं लगता उसकी किसी से नाराजगी होगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। प्यार उसे भी है, प्यार मुझे भी है, बस फर्क सिर्फ इतना है उसे मुझसे है और मुझे खुद से। दीदी अगर तुम्हें खुद से प्यार होता तो तुम इस काली कलोच का अपना लोंडा थोड़े बनाती। मगर क्यों? क्योंकि उसका पहले से ही इतना बड़ा है। जब मैं उसके लिए रोता हूँ ना तो लोग कहते हैं रो मत, तुझे उससे बेहतर मिल जाएगी। अरे मुझे उससे बेहतर नहीं चाहिए। इतना प्यार देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या है? ये मेरे आंसू हैं जो दीदी के प्यार को देख के मेरी आंखों में आ रहे थे। और पूरी बात सुन ले, चमकती रात में चमकते हुए चमगादड़ के छोटे चूतड़। मुंह से कुछ और आ रहा है।